जय जिनेंद्र। आज हम खड़े हैं पावागढ़ जैन मंदिर के बाहर। आज एक ऐसा मंदिर जहां पर माँ काली स्वयं पूजा करने आती है। इस वीडियो के माध्यम से यहां आने वाले यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं हैं, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। इस मंदिर की व्यवस्थाएँ, यहाँ पूजन की विधि और यहाँ भगवान को चढ़ने वाला नैवेद्य के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है। साथ ही इस वीडियो के अंत में मेरे द्वारा यहाँ की पेड़ी के नंबर के आने के पूर्व अपने रूम की बुकिंग की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। अतः इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से एवं यहाँ माँ काली का प्रताप और चिंतामणि भगवान की संपूर्ण जानकारी, मणि द्रावा की संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया गया है। जय जिनेंद्र। आज हम दर्शन करेंगे अलौकिक दिव्य पावागढ़ स्थित चिंतामणि पाशनाथ तीर्थ के, जहाँ कहा जाता है कि आज भी माँ काली स्वयं प्रभु श्री चिंतामण वीर के पूजा करने आती हैं। इस मंदिर का भूमि पूजन दिनांक 13/12/1994 को और शिलान्यास 18/12/1994 को संपन्न हुआ था। इस मंदिर की स्थापना के वक्त अचानक आंधी तूफान एवं ओवलष्टि के कारण पूजा बाधित हुई। उसके पश्चात श्री दयजी महाराज साहब के द्वारा मंत्र सिद्धि से महाकाली को प्रसन्न किया गया और महाकाली से आशीर्वाद प्राप्त करके इस मंदिर की स्थापना संपन्न हुई। कहा जाता है इस मंदिर में महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त है। चिंतामणि पाशनाथ के रूप में महाकाली स्वयं विराजित हैं। आज हमारे साथ में इस मंदिर के लिए चर्चा करेंगे पूर्णचंद्र जी वेजी महाराज साहब। महाकाली का रूप है। अच्छा, चिंतामणि। हमें उस जमाने में कुछ पता नहीं था तो हमने श्याम रंग की बनाई। तो बाद में फिर माता जी कोपायमान हो गए। यहाँ जब प्रतिष्ठा हुई उस समय में बहुत यानी आंधी तूफान के साथ सब फेंक दिया सर। स्थापना के वक्त हाँ जब प्रतिष्ठा की उस समय तो फिर बोला, फिर माता जी आई और हाजिर हुई। बोला कि ऐसा ऐसा है तो मेरा रूप तुमने क्यों ले लिया, हमको पूछना तो था कम से कम। हाँ, ये चीज खास थी। हाँ तो आज भी माता जी पूजा करने के लिए आती है। क्यों मतलब? वो कटोरी हमको सुबह सबसे पहले केसर बीज करके ऊपर रखना पड़ता है। जब भी मेरे पास में होगा, जैसे होगा, मैं आकर के पूजा करूंगा, ऐसा वरदान दिया होगा। इस मंदिर की अपने आप में इतनी मनोहारिक मूर्तियां हैं कि यहाँ पे आने वाले भक्तों का मन मोह लेती हैं। यहाँ की पेंटिंग्स, मंदिर के अंदर की सुंदरता, मंदिर के बाहर का मनोरम दृश्य जो कि यहाँ आने वाले भक्तों का भक्ति के साथ साथ में एक मनोरंजक स्थल भी ये माना जा सकता है। ये मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि अपने अलौकिक और दिव्य शक्तियों के लिए अलग पहचान रखता है। यहाँ के पहाड़ जो कि बादलों से टकराते हुए यहाँ आने वाले दर्शकों का, यहाँ पे आने वाले भक्तों का मन मोह लेते हैं। यहाँ पर भक्त अपनी भक्ति में, साधना में, पूजा में, पाठ में यहाँ की शांति से मंत्र भूमित होकर के मंत्र में, साधना में लिप्त हो जाते हैं। यहाँ की भव्यता और सुंदरता यहाँ आने के पश्चात भक्तों का मन मोह लेती हैं। आज ये मंदिर अपने इन्हीं सभी कारणों से, अपने चमत्कारिक और अपने सभी तीर्थों में एक अलग पहचान रखते हुए से मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला एवं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला और सभी रोगियों के रोगों को दूर करने वाला एक बहुत ही दार्शनिक स्थल है, एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। आइए इस मंदिर के बारे में और बहुत कुछ जानने के साथ साथ में इस मंदिर में पाशनाथ भगवान की मूर्ति के साथ में मणिभद्र बाबा की एक ऐसी अलौकिक और विश्व में एकमात्र मूर्ति के दर्शन भी करने को मिलते हैं। कहा जाता है कि महाराज साहब श्री चंद्रोदय विजय महाराज साहब के
वहाँ तपस्या के पश्चात, सालों की तपस्या के पश्चात ये मूर्ति प्रकट हुई थी। तो मतलब इंद्रदीप सूर्य जी महाराज जी ने मतलब साधना करते 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 वर्षों लग गए, और इसके बाद में फिर उन्होंने मतलब दर्शन दिया कि इस रूप में हूँ, तो इस रूप में हमने ये मूर्ति बनाई। ऐसे कई भारत भर में कहीं भी जाओ ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी, केवल यहाँ ही मिलेगी। क्या निकल ये परिसर अपने साथ में कई और मंदिरों की भव्यता और सुंदरता भी संजोए हुए है। इस मंदिर में अपने आप में एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बाहर से आने वाले यात्रियों की रुकने की पूर्ण व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। साथ ही इस मंदिर में एक ऐसी जैन तीर्थ पहल की गई है जो कि विश्व में एकमात्र जैन मंदिर है, जहां पर बच्चों के अध्ययन के हेतु आसपास के जो गाँव हैं उनके बच्चों के न्यूनतम शुल्क पर यहाँ पर शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाती है। हम स्कूलों भी बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, जो लोगों को काम आए वो चीज़ बनाने की जरूरत है। मतलब जो लड़के हैं ना तो इसी को हम पढ़ाते हैं, शहर वाले को तो वो पढ़ लेते हैं। जेल समाज की या हाँ, मतलब सब बच्चों के लिए है। हाँ, मतलब कोई अपना पर्टिकुलर जेल ही आएगा ऐसा नहीं है, नहीं। पहली क्लास से लेके हाँ पहले से मतलब दसवीं तक इंग्लिश मीडियम में। इस मंदिर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं दर्शन करने पधार चुके हैं। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए भोजन की पूर्ण व्यवस्था रखी गई है। यहाँ प्रसाद के रूप में भगवान को सुकड़ी एवं श्रीफल का ही प्रसाद चढ़ता है, अन्यत्र किसी प्रकार का फल या नैवेद्य यहाँ पर वर्जित हैं। यहाँ काले वस्त्र पूर्णतः वर्जित हैं। यहाँ पर सिर्फ भगवान की पूजा में नैवेद्य के रूप में सुकड़ी एवं श्रीफल का ही प्रसाद चढ़ता है। यहाँ मंदिर परिसर के बाहर प्रसाद ले जाना पूर्णतः वर्जित है, रात्रि को प्रसाद नहीं रखा जाता है। पावागढ़ आने के पूर्व आप दिए गए पेड़ी के नंबर पर चर्चा कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो पूरे जैन समुदाय में इसे आप फैलाने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस मंदिर का, यहाँ की प्रतिभा का, यहाँ की महिमा का लाभ उठा सकें।